गीता जी हम सबका इष्ट ग्रंथ हैं, इसलिए इष्ट ग्रंथ हैं क्योंकि वैदिक सनातन धर्म के समग्र ग्रंथों को यदि किसी एक लघुकाय ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। श्रीमद् भगवद गीता में संपूर्ण शास्त्रों का सार सर्वस्व आ जाता है, इसलिए मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए महापुरुषों ने गीता जी को अत्यंत उपादेय माना और इसी भाव संकल्प को लेकर गीता प्रेस की स्थापना हुई। गीता जी के नाम से गीता प्रेस की स्थापना हुई और गीता प्रेस ने सनातन धर्म का बहुत भारी उपकार किया। अनंत काल तक इस उपकार का आस्तिक समाज ऋणी है। हमारे आर्ष ग्रंथ धर्म ग्रंथ अब तक उपलब्ध कराए, आज भी उपलब्ध किए कराए जा रहे हैं और आगे भी भगवत संकल्प से अनंत काल तक इसका काम कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा ही चलेगा। उसका कारण ये है कि जिन महापुरुषों ने इस पवित्र प्रकल्प को स्थापित किया है वे परम निष्काम थे, उनके चित्त में स्वार्थ की सूक्ष्म गंध तक नहीं थी। वे केवल यही संकल्प निरंतर, यही विचार निरंतर करते रहते थे जीवों का परम कल्याण कैसे हो। तो इस प्रकार की पवित्र भावना से ओतप्रोत होकर जिन्होंने कार्य किया है वो किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, वो साक्षात भगवान का कार्य है, भगवत कार्य है और भगवत कार्य कभी रुकता नहीं है। अभी कल ही जान गोटिया जी ने कही कि बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां भी बीच में आईं, कागज के संबंध में और अनेक परेशानियां आईं, लेकिन बड़ी विलक्षण बात है कोई काम रुका नहीं, सब काम सहज होता चला गया। ये भगवान की अतिशय कृपा है। हम लोगों को लगता जरूर है कि अब जो पुराने निष्ठावान थे वो बड़े बूढ़े हो रहे हैं, आगे लोग दिख नहीं रहे, आगे कौन आएंगे। ये भगवान का कार्य है, इसकी चिंता भगवान को ही करनी है, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करेंगे। अपने को तो जब तक जीवन है तब तक इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए, तन मन धन अपने समय की आहुति इस पवित्र कार्य में देना चाहिए। ये सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अवतार है, तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लगता है इस यंत्र के युग में भगवान ने सोचा होगा कि हम भी यंत्र के रूप में अवतार ग्रहण करें। जब भगवान वस्त्रावतार ले सकते हैं तो यंत्रावतार नहीं ले सकते क्या? तो भगवान ने गीता प्रेस के रूप में सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए यंत्रात्मक रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। जिस मर्यादा से गीता प्रेस में ग्रंथों का प्रकाशन होता है वहां कोई भीतर जूता चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करता, कोई पृष्ठ भी नीचे गिर जाता तो तुरंत उसको उठाया जाता है। वो निश्चित ही आराधना उपासना का भाव लेकर के ही वहां कार्य भगवत संकल्प से किया जा रहा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।